हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में हम लोग कुरुक्षेत्र मैगजीन जो जनवरी मंथ का है उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का उद्देश्य ये होता है कि आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रोवाइड करा करके 8 से 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा करके आपको उस मैगजीन के बारे में अच्छी तरीके से अवगत करा दिया जाए, उस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी आपको उससे अवगत करा दिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इसके थ्रू यही समझने की कोशिश करेंगे कि उस आर्टिकल से कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे पीटी के लिए, मेंस के लिए फोडर मटेरियल के रूप में काम कर सकते हैं। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हेल्थ और न्यूट्रिशन से के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है सही आपको ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मल न्यूट्रिशन कंप्राइज बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, यानी जो कुपोषण होता है उसमें अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों को शामिल किया जाता है। सेकेंड है, ओवर न्यूट्रिशन इज मेजर्ड बाई इंसिडेंस ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड एनसीडी, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो ओवर न्यूट्रिशन है उसमें मेजर किया जाता है यानी आदमी के मोटापे को, और डाइट रिलेटेड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हृदय संबंधी बीमारी जो होती है उसके बारे में कंसीडर किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, वेस्टिंग इज कंडीशन वेयर द वेट ऑफ द चाइल्ड इज लोअर देन द स्टैंडर्ड फॉर द गिवन हाइट। वेस्टिंग वो सिचुएशन है जिसमें जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं होता है, तो इस स्थिति को वेस्टिंग बोलते हैं। और फोर्थ है, स्टंटिंग का मतलब है कि स्टैंडर्ड हाइट के अनुसार बच्चे का वेट नहीं होना। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है 1 एंड 2, 1 एंड 4, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर कुपोषण का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जो कैलोरी को इंटेक करता है या जो वो न्यूट्रिएंट्स को लेता है वो बैलेंस्ड है या अधिक है यानी इनबैलेंस है, तो इसी स्थिति को मलन्यूट्रिशन कहा जाता है। जो मलन्यूट्रिशन है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसमें स्टंटिंग जिसमें एज के हिसाब से बच्चे का जो होता है हाइट जो होता है कम होता है। वेस्टिंग यानी एज के हिसाब से या जो हाइट है हाइट के हिसाब से कम वजन का होना। और जो अंडर वेट है यानी अब बहुत सारे लोग को आप देखते होइएगा कि वो अंडर वेट होते हैं, जब ब्लड देने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि वे अंडर वेट हैं क्योंकि उनकी उनके उम्र के हिसाब से उनके शरीर का वजन नहीं होता है। या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी होती है, तो इन सबको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या है, तो ओवर न्यूट्रिशन में आता है ओपेसिटी या अगर कोई फूड संबंधी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे हृदय रोग, हार्ट डिजीज हो गए, हार्ट स्ट्रोक हो गए या डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, तो इस तरह के जो रोग होते हैं वो ओवर न्यूट्रिशन के थ्रू होते हैं। तो ये होता है ओवर न्यूट्रिशन। तो चारों ऑप्शन जो थे वो स्टेटमेंट सही थे। जो स्टंटिंग होता है इसमें मस्तिष्क या जो माइंड होता है उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है, और जो बच्चा होता है वो कमज़ोर मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी उसकी या लर्निंग कैपेसिटी कम होती है, और स्कूल के समय में उसका जो प्रदर्शन होता है या उसके रिजल्ट होते हैं उतने अच्छे नहीं होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पोषण अभियान को लेकर है, विथ रेफरेंस टू द पोषण अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट एम टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ वेट इन चिल्ड्रेन एट 2% एंड एनीमिया एमंग यंग चिल्ड्रेन 6 to 59 months, वीमेन एंड एडोलोसेंट गर्ल एट 3% पर एनम अक्रॉस द कंट्री बाई 2022। इसका उद्देश्य ये है कि जो स्टंटिंग है या अंडर न्यूट्रिशन है या लो वेट है बच्चे का उसको 2% के लेवल तक कम करना है। जो 6 से 59 माह के बच्चे होते हैं उनमें अनिमिया को कम करना है, या वुमेन या एडोलेसेंट जो गर्ल होती हैं इन सब में एनीमिया के स्तर को 3% तक कम करना है 2022 तक। सेकेंड स्टेटमेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन इज हेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर। जो नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हेल्थ मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है। थर्ड है, UNDP इज अ सपोर्टिंग पार्टनर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ स्टेटमेंट है, अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एट राष्ट्रीय पोषण माह। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है क्योंकि नीति आयोग इसको गवर्न करता है और सेप्टेम्बर को पोषण माह के तौर पे मनाया जाता है, तो 2 और 4 जो है वो गलत है, तो यानी ये और ये गलत है। इसके बाद में थर्ड भी गलत है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन नंबर ए यानी 1 only। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोषण अभियान है वो 2018 से राजस्थान के झुंझुनू शहर से शुरू हुआ था।
जो ये न्यूट्रिशन हेल्थ मिशन है या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, ये मल्टी मिनिस्ट्रियल जो ये अभियान है जिसमें स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, इसके अलावा जो बर्थ के समय बच्चों का जो कम वजन होता है, इन सब समस्याओं को 2022 तक 2% यानी स्टंटिंग को 2% कम करना है, अल्प पोषण अंडर न्यूट्रिशन को 2%, एनीमिया को 3% और जो बच्चों की कम उम्र के वजन की समस्या होती है उसको भी 2% कम करना है। ठीक है, जो ये अभियान है इसमें 0 से लेकर के 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग का जो कंडीशन है उसको घटा करके 38.4 से 225% तक लाना है। और इसके लिए जो है सरकार ने 4 सूत्री कार्यक्रम अपनाए हैं। तो वो 4 सूत्री कार्यक्रम कौन से हैं? पहला है इंटर सेक्टरल कन्वर्जेंस फॉर द बेटर सोसाइटी एंड सर्विस डिलीवरी, यानी सर्विस डिलीवरी के लिए है एक से दूसरे सेक्टर के बीच में समन्वय। दूसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि अच्छे से उसका रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जा सके। और थर्ड है इंटेंसिफाइव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस फॉर द फर्स्ट 1000 डेज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन है इसकी अध्यक्षता नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है, यानी चेयर वाइस चेयरमैन करता है। इसके बाद ये जो पोषण है ये राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन करने वाली एक एजेंसी है जिसका काम क्या है कि पोषण संबंधी जितने भी चुनौतियां हैं या जितने भी डिफिशियंसीज हैं इसके लिए ये डायरेक्शन जारी करता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी उसको करता है। यूनिसेफ जो है इस कंट्री प्रोग्राम, भारत जो है 2018 में यूनिसेफ का जो कंट्री प्रोग्राम है 2018-22 इस पर भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है, सिग्नेटरी है भारत। और यूनिसेफ के द्वारा ही महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको टेक्निक सहायता असिस्टेंट प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा जो बजट होता है, बजट में इसका जो कुल बजट होता है यानी इस अभियान का जो कुल बजट है उसका 50% जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसीज द्वारा दिया जाता है और जो शेष 50% है उसमें केंद्र सरकार जब बजट जारी करती है, बजट इशू करती है तो उसमें इसको प्रोवाइड किया जाता है। जो सितंबर मंथ होता है उसको नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है और 2020 का जो थीम था वो था कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो इसको याद रखिएगा कि 2020 का जो सितंबर मंथ है उसको राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है और इसका जो थीम था वो था कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग, फर्स्ट इज डायबिटिक, सेकेंड इज लिम्फेटिक फ्लियरालिसिस, थर्ड इज कैंसर एंड फोर्थ इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, विच ऑफ द अबव इज या आर कंसीडर्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा है? आपके ऑप्शन है 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2, 3 and 4 only। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1, 3 and 4 only। ठीक है, यानी डायबिटीज, कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि हो सकता है कि आपको जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो आपको लगता हो कि यार ये बहुत बोरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जो है इसको आराम से ध्यान से सुन सकते हैं क्योंकि इस मैगजीन को MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस करने का तरीका ही यही है कि एक बार आप इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लीजिए, इससे क्या होता है कि डिस्कशन करना आसान हो जाता है और आपके दिमाग में चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन से कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो सबसे बड़ा नॉन कम्युनिकेबल डेथ का एक कारण है। इसके अलावा कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज है या डायबिटीज है, ये सब भी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं और ये भारत में जितनी भी मृत्यु होती है उसका अकेले ये चारों 80% कवर करते हैं। इसके अलावा जो लिम्फेटिक फिलेरासिस है ये जो है थ्रेड लाइक पैरासिटिक वर्म से होता है और ये फिलेरियोडिक टाइप ही यानी फाइलेरिया टाइप ही होता है। इसके अलावा लिम्फेटिक फिलेरासिस में क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये जो होता है काफ़ी बॉडी के पार्ट जो होते हैं इनलार्ज हो जाते हैं और ये सीवियर डिजेबिलिटी और सोशल स्टिग्मा यानी सामाजिक कलंक के ये कारण बनते हैं। जैसे बॉडी का कोई भी पार्ट है वो पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारे समाज में कितना स्टिग्मा है और वो कितनी जल्दी जो है समाज उसको कलंक की दृष्टि से देखने लगता है। ठीक, इसके बाद है जो टोबैको यूज है, ओवरवेट है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये सब जो है अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो होने वाली मृत्यु है उसके प्रमुख कारण है। ठीक है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी, इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट, इसमें कहा गया है
कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो पूरे देश में 61.8% जो है वो कारण है डेथ का, ठीक है, एज कैम्पी, जबकि ये 1990 में 37.9% है। यानी समाज हमारा जितना ही वास्ट और डाइवर्सिफाई होते जा रहा है खाने पीने के मामले में, तो उतना ही ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बनने की संभावना है। 2016 में जो डेथ हुई थी उसमें से 61.8% जो कॉज था वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण था। इस कारण में कुछ स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है एनसीडीज के लिए, उसमें से कुछ देख लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, क्योंकि ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड वर्चुअल इम्पेयरमेंट, इसके बाद है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, ठीक है, यानी बहरापन के लिए एक कार्यक्रम है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर एंड कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अलावा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेंस में कोई आंसर राइटिंग करते हैं और उनमें इन प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, अगर वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है, तो आपको बेहतर अंक प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, टू एड्रेस द इशू ऑफ मल न्यूट्रिशन इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेनी स्कीम, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो गवर्नमेंट है वो कुपोषण के कारण बहुत सारी स्कीम को लॉन्च की है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी ICDS स्कीम एम टू प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन द एज ऑफ ग्रुप 0 to 2 years। यानी ICDS जो है वो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस जो है बच्चों का जो 0 से 2 साल के हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। सेकेंड है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है वो इम्प्लीमेंट होती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। थर्ड है, मिड डे मील स्कीम कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड फोर्थ इज RMNCH+ स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है 1 and 4 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2, 3 and 4 only। राइट आंसर है 2, 3 and 4, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम जो है मलन्यूट्रिशन से टैकल करने के लिए शुरू की है। तो एक पहला है ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के दिन। इसमें क्या होता है कि जो आंगनवाड़ी सर्विस है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, और इसमें 0 से 6 ईयर तक के बच्चे के न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर किया जाता है और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था स्टेटमेंट में, 0 to 2 years, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत था, ठीक है। इसके अलावा जो इसका एम है, इसमें मदर की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना है ताकि उनका जो है न्यूट्रिशनल एंड चाइल्ड का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है और हेल्थ एजुकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके बाद है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ये जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसमें यानी सेंटर और स्टेट दोनों के जो होते हैं पैसे लगे होते हैं। जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट है भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें ये आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। इसको याद रखिएगा, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। इसके बाद जो है ये पार्शियल कंपनसेशन देता है, जब कोई मदर अगर कहीं पर वर्क करती है और जो जब वो मातृत्व को कैरेज करती है या गर्भधारण की जब स्थिति होती है तो उन समय उनके वेज का लॉस होता है, तो इसमें कैश इंसेंटिव दिया जाता है वीमेन को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना जो है वो कैश इंसेंटिव इनिशिएटिव है, इंसेंटिव देता है वीमेन को। मिड डे मील क्या है, इसमें 6 साल से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं और जो class 1 to 8 तक इनरोल होते हैं और स्कूल जाते हैं उन सभी बच्चों को जो है, सभी एज के बच्चों को, ठीक है, जो 6 से लेकर 14 ईयर तक के हैं, उनको हॉट कुक्ड मील दिया जाता है फ्री में। जब होलीडे होता है तो उस दिन नहीं दिया जाता है। ये जो द मिड डे मील स्कीम है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत। नेशनल हेल्थ मिशन है, ये इम्प्लीमेंटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये याद रखिएगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ICDS आता है और नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दोनों को मिलाया गया है। इसका मेन जो
प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट है वो है हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में भी, साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलोसेंट हेल्थ है उसको भी ये क्योर करता है, उसके लिए भी ये प्रयासरत है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए भी यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ये प्रोवाइड करने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए, हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 19। बी, इंडिया इज कमिटेड टू द इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। सी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 सेज दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ शुड रिच 2.5 ऑफ GDP बाय 2025। यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये कहता है कि गवर्नमेंट को जो है हेल्थ पर 2025 तक GDP का 2.5% खर्च करना चाहिए। डी है, द प्रॉब्लम ऑफ द ओबेसिटी इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो कौन सा जो है सही स्टेटमेंट नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए जो है गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ना कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आर्टिकल 21 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, यानी किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है उसके पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से, इसी ये फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21। जो वेरियस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी हेल्थ को जो है फंडामेंटल राइट्स माना गया है और इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद है TB को टॉप किलर माना जाता है और इसको रैंक दिया गया है HIV और एड्स के समान, कि जैसे HIV और एड्स से लोगों की मृत्यु, वैसे ही TB भी टॉप किलर है पूरी दुनिया में। WHO की स्ट्रेटजी है कि TB को ख़त्म करना, और वो स्ट्रेटजी कब तक की है? 2035 तक, इसको याद रखिएगा। जबकि भारत जो है ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए कमिटेड है, कब तक? 2025 तक। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है उसका एम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना और डिलीवर अच्छी हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड कराना ऑन अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी ऐसा भी नहीं है कि खर्च महंगा हो, अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी क्वांटिटी हो और अफोर्डेबल कॉस्ट पे भी हो। ये जो है इसका उद्देश्य है कि जो चाइल्ड मोर्टलिटी रेट है उसको 23 से घटा करके 2025 तक 5 तक लाना है, और जो मदर मोर्टलिटी रेट है उसको 2020 तक 100 के लेवल तक लाना है। ठीक है, इसके अलावा ये ग्लोबल टारगेट जो है 2020 का, यानी जो HIV एड्स के लिए जो टारगेट है वो है 90-90-90 के रेशियो को, उसको भी फॉलो करना है। प्री मैच्योर जो डेथ होती है या प्री मैच्योर मोर्टलिटी जो होते हैं, यानी नॉन कार्डियो NDC के थ्रू, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के थ्रू, तो उसमें जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आता है, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या डायबिटीज, इसको घटा करके उस डेट को 2025 तक 25% तक लाना है। ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके GDP का 2025 तक 2.5% करना है, जो अभी 1.15% है। तो इसको याद रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी अभी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही लाइफ स्टाइल बढ़ रही है तो बच्चे क्या होते हैं, पिज्ज़ा बर्गर ज़्यादा खा रहे हैं और रेस्टोरेंट में खाना उनका ज़्यादा हो रहा है या स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इससे ओबेसिटी बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं, डायबिटीज और अस्थमा के ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया। टेक्सटाइल सेक्टर से के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है? आपके स्टेटमेंट है फर्स्ट, 100% FDI इज अलाउड इन द टेक्सटाइल सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट, यानी बिना RBI के परमिशन के और बिना गवर्नमेंट के परमिशन के टेक्सटाइल सेक्टर में कोई भी व्यक्ति जो है 100% FDI लगा सकती है। सेकेंड है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलिस्टर, सिल्क एंड फाइबर इन द वर्ल्ड। एंड थर्ड इज द टेक्सटाइल सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया में। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। योर राइट आंसर इज 1 and 3, क्योंकि चाइना जो है वो पॉलिस्टर, सिल्क एंड फाइबर के प्रोडक्शन में एक नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में कि 100% ऑटोमेटिक रूट FDI कोई भी लगा सकता है, नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एंड RBI। जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया है पॉलिस्टर, सिल्क एंड फाइबर का। जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल एंड अप्रेजल इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करता है 2.3% GDP में और 30% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इसके अलावा जो पूरे देश का एक्सपोर्ट है उसमें 12% इसका योगदान है और सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो इसको याद रखिएगा टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। टेक्सटाइल सेक्टर या हैंडलूम्स इन सेगमेंट से जो रिलेटेड स्कीम है वो है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम,
हैंडलूम वीवर कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम एंड यार्न सप्लाई स्कीम, इसको याद रखिएगा, ये मेंस के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में कई बार होता है कि हम स्कीम का नाम ही भूल जाते हैं जब हम मेंस राइटिंग कर रहे होते हैं। तो स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर कौन कौन सा है, एमएन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इसके बाद है समर्थ स्कीम जो स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, थर्ड है पावर टेक्सट इंडिया यानी डेवलपमेंट, ये करेगा पावर लूम सेक्टर को, और सिल्क स्मरगा सिल्क समग्रा यानी ये करेगा इंटीग्रेटेड है सिल्क इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर, विथ रेफरेंस टू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज KVIC इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, सेकेंड इज इट्स फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, थर्ड इज KVIC इज एस्टेब्लिश माइक्रो इंटरप्राइजेज इन द नॉन फॉर्म सेक्टर थ्रू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP के अंतर्गत ये जो है सूक्ष्म और लघु उद्योग को इस्टेब्लिश करता है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है A 2 ओनली, B 3 ओनली, C 2 एंड 3 ओनली एंड D 1 2 एंड 3। यू राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B 3 ओनली, ठीक है, क्योंकि ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, एक स्टैचुअरी बॉडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1956 में इसको जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था, सो KVIC या स्टैचुअरी बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। KVIC जो है वो रूरल क्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट से संबंधित जो एजेंसी है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए कार्य करता है। इसके अलावा ये जो है MSME सेक्टर के अंतर्गत काम करता है यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत काम करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में है जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो KVIC में नॉन एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें माइक्रो इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश कर रहा है, और इस जो ये इंटरप्राइजेज है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, एग्रीकल्चरल बेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके बाद में हैंडमेड जो है पेपर इंडस्ट्री एंड फाइबर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये तीन इंडस्ट्री है PMEGP के अंतर्गत जो KVIC शुरू कर रहा है। KVIC जो है MSME के अंतर्गत काम करता है और ये एक स्टैचुअरी बॉडी है, इसको याद रखिएगा, 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेंशनड अंडर द कंकरेंट लिस्ट, बी यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको समवर्ती सूची में रखा गया है, बी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NAFED इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, थर्ड इज एग्रीकल्चरल फार्मर पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ NAFED यानी जो एग्रीकल्चर फार्मर होते हैं वो NAFED के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, और डी है NAFED डज नॉट डील विद द मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट से ये डील नहीं करता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो है इनके फार्मर जो होते हैं वो NAFED के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो सोसाइटी होती है कोई भी सोसाइटी जो ज्वाइंटली ओन्ड है और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है, और जो अपने इंटरेस्ट के लिए अपने फायदे के लिए यानी कम्युनिटी के फायदे के लिए एक दूसरे से जो है अपना इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए जो है साझा करते हैं या एक दूसरे से ऐड होते हैं जुड़े रहते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग सहकारी सोसाइटियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका जो जिक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 244 में आर्टिकल में किया गया है, ठीक है, यानी इसका जिक्र जो है 7th शेड्यूल में भी है और आर्टिकल 246 में भी है, ठीक है, और इसको 7वीं जो अनुसूची है या शेड्यूल है उसमें इसको 32 के अंतर्गत रखा गया है और ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है यानी NAFED, ये जो है एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 2002 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है फार्मर को जो है बेनिफिट पहुंचाना है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें उसके मार्केटिंग के लिए कोऑपरेशन की भावना, इसके उद्देश्य से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके अलावा जो फार्मर होते हैं वो NAFED के कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सदस्य होते हैं यानी उनमें डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में वो काम करते हैं। जो NAFED है उसका काम क्या है, इसका काम है कि मार्केट को डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रमोट करना, इसके अलावा स्टोरेज को बढ़ाना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड प्रोड्यूस के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, ये जो है एग्रीकल्चर मशीनरी
का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा जो और इंटर स्टेट अंडरटेकिंग है, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सपोर्ट ट्रेड, इसके भी डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसके प्राइस को ये स्टेबल रखता है, और किसान के लिए ये कोशिश करता है कि किसान को जो है उनके प्रोडक्ट का टाइमली पेमेंट मिल जाए और एक उचित कीमत भी मिल जाए। ठीक है, तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? नाफेड है। ठीक है, इसके बाद है कुछ प्रोविज़न है कॉरपोरेटिव सोसाइटी से, उसके बारे में देख लेते हैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2011 में हुआ था, इसके अंतर्गत जो कॉपरेटिव सोसाइटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उस समय संविधान में तीन परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन था इसको आर्टिकल 19 के अंतर्गत कॉपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। आर्टिकल 43B के अंतर्गत जो है कॉपरेटिव सोसाइटी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9B, जो इंटाइटल्ड है कॉपरेटिव सोसाइटी से, और इसमें जो आर्टिकल है वह है 243ZH से लेकर के 243ZT तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो था इसमें हम लोगों ने कुरुक्षेत्रा मैगजीन के पार्ट 1 यानी 8 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। जो अगला 7 क्वेश्चन होगा उसको हम लोग दूसरे लेक्चर में यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जनवरी मंथ के जो योजना मैगजीन है, साइंस रिपोर्टर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और अलग अलग मैगजीन के अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को डिस्कस करने का एक उद्देश्य ये होता है ताकि आपको जो है पीटी के लिए अधिक से अधिक फोल्डर मटेरियल मिल जाए, मेंस के लिए जो है कुछ फोल्डर मटेरियल मिल जाए, तो इसीलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में एमसीक्यू के तौर पर डिस्कस किया जाता है और इतना ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन होता है। थैंक्स फॉर डिस्कशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।